काशी में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ की बैठक, गुड गवर्नेंस का दिया मंत्र, मुख्यमंत्रियों ने दिया काम का ब्यौरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, योजना को लेकर बीजेपी का सरकार पर हमला, हंगामे के बाद बीजेपी के 11 विधायक निलंबित, सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत का सदन में बड़ा ऐलान, विधानसभा के स्थापना दिवस पर रहेगा अवकाश, हर साल 14 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। स्वाभिमान और गर्व के लिए छत्तीसगढ़ ने लगाई दौड़, रन फॉर छत्तीसगढ़ प्राइड को गांधी उद्यान पर सीएम भूपेश बघेल ने दिखाई हरी झंडी, सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर हुआ दौड़ का आयोजन। भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई के अध्यक्षों के साथ कमलनाथ ने ली बैठक, सरकार की नीतियों के खिलाफ बनाई गई रणनीति और पंचायत चुनाव को लेकर भी की गई चर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं और विधायकों से परेशान, कांग्रेस अब नेताओं को पार्टी से जुड़े रहने का पढ़ाएगी पाठ, इस दौरान कांग्रेसी नेताओं को पार्टी की विचारधारा और इतिहास के बारे में दी जाएगी जानकारी। छिंदवाड़ा के लोगों ने बुनियादी सुविधा न मिलने पर किया चुनाव का बहिष्कार, लोगों ने इलाके का विकास नहीं होने की वजह से चुनाव का बहिष्कार किया, विकास नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। पंचायत चुनाव को लेकर कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पंचायत अधिनियम संशोधन को दी गई है चुनौती, कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने लगाई है याचिका। जबलपुर में बाल गृह में बच्चों को बाइबल पढ़ाने के मामले में संस्था के खिलाफ FIR दर्ज, संस्था से 5 नाबालिग बच्चों को करवाया गया मुक्त। भोपाल में गेहूं खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, ऑनलाइन वेबसाइट से डेटा लेकर की गई धोखाधड़ी, साइबर पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद हाईटेक हो रहा है भोपाल, अब ड्रोन के जरिए रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। और जबलपुर में मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा गया, ड्राइवर कंडक्टर हुए मौके से फरार, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर की कड़ी कार्रवाई। खंडवा मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम जूना पानी के ग्रामीणों को खेत में काम करने के दौरान दिखा तेंदुआ, तेंदुआ देखकर ग्रामीणों मचा हड़कंप। पन्ना के पवई विधानसभा के शासकीय प्राथमिक शाला में स्कूली बच्चों को परेशानी, बच्चे आकर करते हैं टीचर का इंतजार, टाइम पर नहीं पहुंचते टीचर। ग्वालियर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है तैयारी। डिंडोरी जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिंडोरी के दौरे पर रहे, इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बीजेपी कार्यालय डिंडोरी के सामने आयोजित नगर के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। बिलासपुर में ब्रह्म कुमारी कार्यकर्ता शराब पीने वाले लोगों के लिए चला रहे जागरूकता अभियान, शिविर का भी किया गया आयोजन। दंतेवाड़ा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, CNM कमेटी का अध्यक्ष गिरफ्तार नक्सली, CRPF और पुलिस बल ने की संयुक्त कार्रवाई, SP अभिषेक पल्लव ने की पुष्टि। कवर्धा विवाद मामले में आया नया मोड़, समुदाय विशेष के 3 युवाओं ने मांगी सार्वजनिक माफी, सलमान रिजवान रेहान ने मांगी माफी। रायपुर के उरकुरा स्थित जब्बार नाला में मिला ज्ञात महिला का शव, महिला की उम्र 25 से 30 साल, खमतराई पुलिस कर रही मामले की जांच। खंडवा में 2 दिन पहले हुई एक महिला की हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों ने महिला से रेप करने की कोशिश की थी, विरोध करने पर की गई हत्या। विदिशा में खनिज विभाग ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त, रेत के अवैध परिवहन का मामला। शहडोल में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, सिंहपुर थाना क्षेत्र के दुबहा गांव की घटना, मामले की जांच। इंदौर में कपड़ा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, GST की मूल्य वृद्धि के खिलाफ व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। राजनाथ गांव के मोहला मानपुर में 8 साल के लापता बच्चे का शव तालाब में मिला, 11 दिसंबर से लापता था बच्चा। शिवपुरी के सुभाषपुरा में चलती कार में लगी आग, कार में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। धार में चोरों ने महिला पर रॉड से किया हमला, सोने और चांदी के जेवर समेत पैसे लेकर हुआ फरार। बिलासपुर में मारपीट कर मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिरगट्टी पुलिस कर रही है मामले की जांच कार्रवाई। कोरबा में साली और सास ने युवक को उतारा मौत के घाट, डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।
बिलासपुर में रेल पटरी बदलने के दौरान दो रेल इंजनों की टक्कर, एक इंजन पटरी से उतरा, घटना के बाद दो चालक निलंबित। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। 2011 संसद हमले की बरसी पर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के बस पर किया हमला, बस में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के 9वीं बटालियन के जवान थे सवार। जवानों की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को लगी गोली, सुरक्षा बलों के हमले में घायल आतंकी फरार। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली। अनंतनाग का रहने वाला जैश आतंकी अबू जाद ने बनाया है आतंकी संगठन। पीएम मोदी ने हमले को लेकर तलब की रिपोर्ट, शहीदों के निधन पर जताया शोक। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में आतंकी घटनाएं बढ़ी, इसको लेकर एजेंसियां मंथन करने में जुटी हुई। दिल्ली में कम नहीं हो रहा है प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता बहुत खराब, श्रेणी में बरकरार। दिल्ली में दम घोट रही है हवा, एक्यूआई 328 दर्ज। ठंड और प्रदूषण के कॉकटेल ने बढ़ाया स्मॉग, विजिबिलिटी हुई कम। बर्फीली हवाओं ने दिल्ली में बढ़ाई ठंड, शीतलहर की चपेट में आई राजधानी दिल्ली। खुदरा महंगाई दर देश में बढ़कर हुई 4.91%, फल और सब्जियों की वजह से कीमतों में आई बढ़ोतरी। बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी 10 लाख का कर्जा, पीएम मुद्रा योजना के तहत मिलेगी धनराशि। आईआरसीटीसी में चला निर्माण कार्य से बिलासपुर वाराणसी रूट पर कई ट्रेनें रद्द हुई, कई ट्रेनों के रूट को भी परिवर्तित करने का फैसला लिया गया। एसबीआई समेत कई बैंकों ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की, सरकार के प्राइवेटाइजेशन के फैसले पर बैंक के कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर हैं। देश में ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का लॉन्च होगा, सीईओ भावेश अग्रवाल ने वीडियो जारी कर किया बड़ा ऐलान।